11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। तो आप लोग 25 मार्च को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस निश्चित रूप से आइए। कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बहाली को लटका कर रखने की साजिश रची जा रही है। पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसको भी एक बहाना बनाकर बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है और अभी इसका मेरिट लिस्ट आना बाकी है, लेकिन बीएसएससी और नीतीश सरकार द्वारा जानबूझकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बहाली को लटका कर रखने की साजिश रची जा रही है। और आप लोग देख रहे हैं कि न्यू एनसीएल के मुद्दे पे जो पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसको भी एक बहाना बनाकर बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रही है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग द्वारा न्यू एनसीएल के मुद्दे पे दिशा निर्देश दिया जा चुका है बीएसएससी को। तो अब केस का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। जब दिशा निर्देश मिल चुका है सरकार की तरफ से बीएसएससी को, तब तो मेरिट लिस्ट जारी करने में कोई आपत्ति बीएसएससी को नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने केस किया है, जो पेटिशनर है और जो इंटरवेनर के रूप में केस किया, सब लोगों को अब केस वापस ले लेना चाहिए और इसके बाद बीएसएससी को ही पटना हाईकोर्ट में ये बोलना चाहिए, इस बात को लिखित रूप में देना चाहिए, हलफनामा दायर करना चाहिए कि दिशा निर्देश उनको सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग से मिल गया है, इसलिए वो मेरिट लिस्ट जारी करने जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इस पर कोई आपत्ति जाहिर करेगी या कोर्ट रोक लगाएगी मेरिट लिस्ट जारी करने पे। तो वैसे भी कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप एकदम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट जारी करने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी डिसीजन आएगा वो प्रभावित करेगा रिजल्ट को। तो दोनों दो चीज़ हो जाता है, आप वो प्रभावित किसको करेगा, न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल वाले को प्रभावित करेगा जो जजमेंट आएगा, लेकिन अब तो उसकी भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग ने यानी कि बिहार सरकार ने बीएसएससी को दिशा निर्देश दे दिया है न्यू एनसीएल के मुद्दे पे, तो अब तो केस चलने का कोई इशू ही नहीं रहा, कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि पटना हाईकोर्ट में केस चले। तो अब तो सबको चाहिए, बीएसएससी को चाहिए, इंटरवेनर जो है उसको चाहिए और जो पेटिशनर है जो पहले केस किए थे उन लोगों को सबको चाहिए कि केस वापस ले ले, और बीएसएससी को भी चाहिए कि पटना हाईकोर्ट में जाके अपने तरफ से वो हलफनामा दायर करे इन सब चीज़ों को लेकर और मेरिट लिस्ट जारी कर दे। तो जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी है जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, उन लोगों ने मिलकर 25 मार्च को बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करने का तय किया है और ये 2-3 दिन पहले तय हुआ है और बहुत से परीक्षार्थियों ने अभ्यर्थियों ने मुझे भी फ़ोन करके बताया और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि 25 मार्च को आंदोलन कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हम तो साथ हैं आप लोग के हमेशा, और पहले भी फरवरी में भी हमने कहा था, मार्च में भी फर्स्ट वीक में और होली से पहले भी बहुत से लोग फ़ोन कर रहे थे कि क्या आंदोलन करेंगे तो आप साथ दीजिएगा। हमने उस समय फरवरी में भी कहा था कि आप लोग मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए या कोई और भी मुद्दे पे जो सही मुद्दा हो उस पे आप आंदोलन कीजिएगा, तो हमारा साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन फरवरी में और मार्च फर्स्ट वीक में आंदोलन के लिए सभी लोग तैयार नहीं हुए थे, लेकिन 25 मार्च को आंदोलन के लिए सभी लोग तैयार हैं और ये डेट आप लोगों ने ही, बीएसएससी अभ्यर्थियों ने ही तय किया है और आप लोगों ने ही 25 मार्च को आंदोलन करने का निर्णय लिया। हम आप लोग के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और 25 मार्च को हम भी आंदोलन में आएंगे सुबह 11 बजे, निश्चित रूप से हम भी वहां मौजूद रहेंगे। तो ये आंदोलन आप लोग का है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आप अभी मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए बीएसएससी ऑफिस नहीं आते हैं 25 मार्च को, तो फिर यही होगा, 6 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है, पता नहीं इस बीच में क्या होगा, मान लीजिए कोई फिर से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, या फिर हो सकता है किसी का वकील अब्सेंट हो जाए, या जज साहब ही बीमार पड़ जाए, या कुछ और बात हो जाए, तो फिर एक लंबा डेट दे दिया जाएगा, तो फिर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा, तारीख पे तारीख चलते रहेगा। तो इसीलिए जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि 25 मार्च को आंदोलन करना है, तो सभी लोग 25 मार्च को बीएसएससी ऑफिस सुबह 11 बजे पहुंचिए। ऐसा मत समझिए कि चलो कोई तो जा रहा है, हम घर बैठे रहते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको इससे परेशानी होगी और संख्या कम रहेगी, तो बीएसएससी और सरकार पे कोई दबाव नहीं बनेगा, फिर तारीख पे तारीख कोर्ट में चलता रहेगा। और अगर 25 मार्च को सभी लोग सुबह 11 बजे पहुंचते हैं बीएसएससी ऑफिस, तो सरकार पे और बीएसएससी पे एक दबाव बनेगा और उसका असर क्या होगा कि बीएसएससी जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करेगी और कोर्ट में भी जल्द से जल्द इस समस्या का जो समाधान होना चाहिए उसका वो रास्ता ढूंढेगी बीएसएससी भी, और हलफनामा दायर करेगी और 6 अप्रैल से पहले भी मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। गेंद अब बीएसएससी के पाले में है,
तो बीएसएससी पे दबाव बनाना जरूरी है, और जब आप लोगों ने खुद ही डिसाइड किया है तो आप लोग को तो आना ही चाहिए। और 25 मार्च को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस, जितने भी आप लोग बीएसएससी अभ्यर्थी है सभी लोग पहुंचिए, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं सुबह 11 बजे, और मैं आप लोगों के साथ पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी आप लोग के साथ रहूंगा। कोई भी छात्र हित में जो आंदोलन होता है, जो छात्र हित से जुड़ा हुआ आंदोलन रहेगा, उसमें दिलीप कुमार पीछे नहीं रहता है। तो आप लोगों ने कहा मुझे आने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से आ रहा हूँ 25 मार्च को सुबह 11 बजे। और जो भी आपसी मतभेद आप लोगों में हो उसको भुला दीजिए और एकजुट होकर लड़िए। जिस तरह काउंसलिंग के लिए आप लोग, और काउंसलिंग से पहले मेंस परीक्षा के लिए, पीटी रिजल्ट के लिए एकजुट होकर लड़ रहे थे, उसी तरह एक बार फिर से एकजुट होकर लड़िए। और जो भी आपस में विवाद हो किसी बात को लेकर, उन सभी विवादों को आप दरकिनार कर दीजिए और एकजुट होकर लड़िए। और कोई भी आप लोगों को अगर बरगलाने की कोशिश करे, गुमराह करने की कोशिश करे, तो उन लोगों के बहकावे में मत जाइए। और कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो छात्रों की एकता को तोड़ने का प्रयास करता हो, कोई षड्यंत्र करता हो, साजिश करता हो, तो ऐसे यूट्यूब चैनल का आप लोग बहिष्कार कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। और कोई भी अगर छात्रों के साथ गद्दारी करेगा तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस आप लोग जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर 25 मार्च को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। तो मेरिट लिस्ट की ही बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट की बात होगी। तो आप लोग 25 मार्च को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस निश्चित रूप से आइए और एकजुट होकर आइए। और ये देखिए, यहाँ पे बीएसएससी ऑफिस आकर ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ करना है या कोई हिंसा करना है, हम लोग उपद्रवी तो है नहीं, वहाँ पे आके शांतिपूर्वक बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष से हम लोग को अपनी मांगों को रखना है, जो आप लोग का डिमांड है उसको रखना है। और बीएसएससी क्या इस पे कर रही है, क्या करना चाहती है, इन सब चीज़ों पे बीएसएससी से हम लोग जवाब मांगेंगे। तो आप लोग आइए और शांतिपूर्वक 25 मार्च को सुबह 11 बजे निश्चित रूप से पहुंचिए और शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, ताकि बीएसएससी मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करे। और आप भी देख रहे हैं कि बीएसएससी का इतिहास है कि जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं तभी कुछ आगे इस बहाली में कुछ आगे प्रक्रिया होती है। तो अभी मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए भी आंदोलन करना ही होगा। और जहां तक न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल की बात है, तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल, ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, ओल्ड न्यू कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग दक्षता सर्टिफिकेट, सबको मान्य कर दे बीएसएससी, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है। तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, छात्र हित में जो भी आंदोलन होगा मैं उसका समर्थन करता हूँ और आगे भी करूँगा। तो आप लोगों से अंततः फिर यही आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सारे मतभेद को बुलाकर 25 मार्च को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस पहुँचिए और मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।